सऊदी अरब जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म मिलते ही मौजा गलवां तहसील अलीपुर के रिहायशी मोहम्मद मुजाहिद के अहले खाना में खुशी की लहर। मौजा गलवां के महल्ला में मिठाई तकसीम की गई। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी जेल में एक साल से कैद मोहम्मद मुजाहिद के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वालिद वालदा भतीजे भतीजियों भांजियों समेत पूरा इलाका खुश हो गया। वालिद ने बेटे की रिहाई की खुशी में घर और महल्ले में मिठाई तकसीम की। मुजाहिद का ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से है और मुजाहिद मेहनत मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। मोहम्मद मुजाहिद के वालिद जवार हुसैन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जी मेरे भाई मुजाहिद जो है ना एक गुज़श्ता एक साल तो जो कैद हैं सऊदी अरब के बीच तो कल दी असा जिम्मे खबर सुनी है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब आए तो उन्हें कैदी की रिहाई का हुक्म दिते सबको जो पता लगे कि सा भाई भी जो उन्होंने शामिल है सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी है। असा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बहुत शुक्रगुजार है शुक्रिया अदा करने हैं तो अपने खसूस वजीर आजम साहब इमरान खान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँ। मीरपुर खास के करीबी गांव समना गोट पर तेज रफ्तारी डॉर्सन उलटने से 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मीरपुर व पुलिस ने मीरपुर खास सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जहां 50 साल कैसरो नामी शख्स की हालत तफीशनाक होने के बायस हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। मीरपुर खास सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज करके तिबी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। रायगढ़ में बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। राव खान वाला के करीब फैक्ट्री की बस उलट गई। बस उलटने से एक वर्कर जान बहक और काफी वर्कर्स शदीद जख्मी हुए हैं। बस रायगढ़ से कसूर वर्कर्स को ड्यूटी पर छोड़ने जा रही थी। वजीरे ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहू और बदीन के नुमाइंदों का सिंध सेक्टर में इमिग्रेशन अफसरान के साथ इजलास। सिंध हुकूमत का बदीन और आसपास के इलाकों को पीने का पानी मैसर करने के लिए फौरी इकदाम उठाने का फैसला। मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना था कि सक्कर बैराज से मजीद 3000 क्यूसिक पानी कोटड़ी बैराज को फराहम करने का फैसला किया है। इस वक्त कोटड़ी बैराज की लेफ्ट बैंक में 4900 क्यूसिक की जरूरत की जगह फकत 2500 क्यूसिक पानी दस्तयाब है जिसको पूरा करने के लिए फौरी इकदाम उठाने के फैसले किए गए हैं। पानी की किल्लत से शिकार इलाकों को भी पानी पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी फौज की टैंक रेजिमेंट अगले मोर्चे में पहुंचाना शुरू हो गई है। सियालकोट सेक्टर सुलेमानी सेक्टर बीकन और जिसलमीर की तरफ रवाना है।